हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी बीएससी बीए या बीएससी ऑनर्स कंप्लीट की है एंड दे आर प्लानिंग फॉर एमएससी मैथ्स फ्रॉम एमडीयू। एमडीयू ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया, उन्होंने सारा बता दिया कि वो पीजी कोर्सेज के एडमिशंस किस तरीके से कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप एमएससी मैथ्स एमडीयू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं जो एमएससी मैथ्स एमडीयू से करना चाहते हैं, आप ये उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग एमडीयू इस बार एमएससी मैथ्स जो कि प्रीवियस ईयर मेरिट बेस पे एडमिशन किए गए थे, इस साल वो एंट्रेंस बेस पर होंगे। पहले भी एंट्रेंस ही होता है, सिर्फ एक लास्ट ईयर कोविड की वजह से मेरिट बेस पे एडमिशन हुए थे, बट इस साल अगेन एंट्रेंस के बेस पर ही एडमिशन होंगे। एंट्रेंस 22 सितंबर को होगा 12:30 PM टू 1:45 PM। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कब तक आप एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हो, ये सारी डेट्स यहाँ पर मेंशन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है पूरे प्रोस्पेक्टस का भी। पेज नंबर 16 पर आपको आपके एमडीयू एमएससी मैथ से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी 16-17 पेज पर, वो आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट्स मैंने यह वीडियो में भी लगा दिए। ठीक है, रिजल्ट जो है आपके एंट्रेंस का वो 26 सितंबर को आएगा, कि आपके कितने मार्क्स हैं उसमें आपको पीडीएफ के अंदर अच्छे से मेंशन होगा। प्रीवियस ईयर्स जो भी हैं आपके एंट्रेंस एमएससी मैथ्स का लास्ट ईयर तो हुआ नहीं था, उससे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर हो चुके हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के जो भी इनकी साइट पर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे वो मैंने सारे शेयर कर रखे हैं। 22 सितंबर को एंट्रेंस है, 26 सितंबर को हमारा जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 12 सितंबर। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट 22 सितंबर और रिजल्ट की डेट है 26 सितंबर। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपके पास कब आ जाएगी, 28 सितंबर, और उसकी फीस सबमिट आप कर सकते हैं 30 सितंबर। सेकेंड मेरिट लिस्ट 1 अक्टूबर, सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो फीस है वो अप टू 5 अक्टूबर आप सबमिट कर सकते हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट आपके पास आएगी 7 अक्टूबर और उसकी फीस सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 8 अक्टूबर। बाकी जो बच्चे बीच में एडमिशन छोड़ जाते हैं, अपना एडमिशन लेके देन कॉलेज छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवा लेते हैं, तो जो वैकेंट सीट्स हैं वो आपको 11 अक्टूबर तक पता चल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 16 पर सब मेंशन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको एंट्रेंस फिल करनी है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस कितनी रहेगी। दो कोर्सेज हैं मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर, एक तो एमएससी मैथ्स जिसकी अराउंड 4000 कुछ फीस होती है, और एक है एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस जिसकी पर ईयर फीस 30,000 के अप्रोक्स है। एंट्रेंस के जो ऊपर के बच्चे होते हैं 60 जितने भी उनके पास सीट्स हैं जनरल की, ओबीसी, एससीबीसी, पहले प्रायोरिटी वो एमएससी मैथ्स को देते हैं, यानी कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे पहले उन्हें एमएससी मैथ्स का ऑप्शन दिया जाएगा। जो टॉप रैंकर्स हैं उनके पास दोनों ऑप्शन है, दे कैन ऑप्ट फॉर एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, बट अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे है तो आप एमएससी मैथ्स का ऑप्शन ही आपके लिए कट हो जाएगा, क्योंकि टॉप रैंकर्स ही पहले एमएससी मैथ्स के लिए जाएंगे, उसके बाद जो 60 सीट्स होंगी उनको एमएससी मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन दिया जाएगा, उन्हें अगर लेना है तो वो ले, अगर नहीं लेना तो वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। प्रीवियस ईयर्स जितने भी हैं आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एमएससी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि उनको सारी डिटेल्स, एंट्रेंस की डेट्स सब कुछ पता लग जाए। हैव अ नाइस डे।